अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आए हैं और मुझे यकीन है कि आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी शुक्र है खुदावंद का मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपको रेसिपी दूंगी जिंगर जी जिंगर। तो ये है कि मैंने ये देखे इसे मैंने टक लगा दिए जी। तो आप बर्गर में भी डाल के खा सकते हैं इसे। ये रेसिपी वही है बाज़ार वाली। तो ये मैंने लगा दी है इसे, इसमें ना मसाला सारा हो जाएगा। एक घंटा इसे रखना है। तो अब मैं ना इसमें ना मसाले डालने लगी। तो आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, आप चाहें तो बर्गर में भी डाल के खा सकती हैं। ये बच्चों ने तो वैसे ही खाना है। ये एक चम्मच इसमें सोया सॉस गई है। हाँ, तो सिरका एक चम्मच सिरका जा रहा है। तो आधा चम्मच नमक, और ये दरा मिर्च एक चम्मच, और थोड़ी सी काली मिर्च, और एक चम्मच लाल मिर्च। और ये भी भुन जाएगा। ये एक लेमन, और एक घंटा इसे ना रखना है। बस ये हम लोग इसे मैरिनेट करके, तो आप लोगों ने एक घंटा रखना है। रूम टेम्परेचर पर लेमन एक डालना है बड़े वाला। इसमें ना ज़रा खटास ज़्यादा हो। अब इसे मिक्स करना है। मिक्स कर दो। इसे हम लोगों ने फ्रिज में रखना है। हाँ, फ्रीजर में नहीं। तो थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा, बहुत स्पाइसी बनाना है हमने ये। ये देखिए मसाला इसमें ना घुस के, थोड़ा सा चाट। जी थोड़ा सा चाट मसाला, चलिए इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इनमें। या बर्गर में भी रख के खा सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डी वाला लाई हूँ। सीने वाला लाएंगे ना आप, तो वो आप रख सकते हैं उसमें। बर्गर में रख के आप खा सकते हैं। वैसे भी ये बच्चे, आज मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो हमने कहा चले आज जिंगर बनाते हैं चिकन। तो मैंने कहा चले ठीक है। देखिए तो वो आपको एक घंटे बाद मिलेंगे। जी वेलकम। चिकन हो गया मैरिनेट। हाँ, तो ये देखें अब इसे ना मेदे में डिप करना है अच्छी तरह जी। अब आपने सबको ऐसे ही कर लेना है, अच्छी तरह मेदे में ना डिप करना है आपने।
जितने भी है ना पीस, ये देखिए अभी इधर ही रखने साइड पे। ये सारे हो गए हैं, लेकिन ये अब ठंडे पानी में इसे थोड़ी देर रखना है ऐसे। ये ठंडा पानी लेना है आपने, इसे ऐसे रखना थोड़ी देर, 2-3 मिनट आपने सिर्फ ऐसे रखना है जी। अब निकाल लेना इसे, और इसे फिर ना मैदे में डाल, दोबारा डिप करना है इसको। ऐसे ना हर पीस को आपने जी, अब मैं डालने लगी इसे। आपने सिर्फ इसे एक दफा करना है पानी में डालना है, फिर आपने दोबारा कोट करके ना मैदे का, तो फिर आपने फ्राई कर देना। ये देखें जरा, और ये देखें आपने ना फ्लेम इतना कर देना, हल्की आंच पे, अंदर से पक जाएगा फिर थोड़ा सा पीछे। जी ये जब ब्राउन होगा ना ज्यादा, अंदर से भी गल जाएगा, तो 10-20 मिनट लगेंगे इसे पकाने में। अभी पक रहा है, अभी ब्राउन हो गया ना ज्यादा। देखिए गाइस ये बन के तैयार हो चुके हैं, अब हम आप लोग को दिखाएंगे। जी देखिए अब ये तैयार हो चुके हैं, इतने से आपने ब्राउन करने हैं आप जी। तो मैं अब ये देखिए गाइस ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, जैसे आप लोग को नजर आता होगा कितने क्रिस्पी क्रंची है। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें आप लोग देख सकते हैं कितने टेस्टी हैं ये, ये देखें। जी अब देखें, ये देखें बिल्कुल बीच में से भी पक चुके हैं, पक चुके हैं ये देखें, बहुत ही टेस्टी है। ये देखें बिल्कुल पक चुके हैं अंदर से, क्रंची क्रंची बहुत क्रंची है जी। ये लाइक पीस की शक्ल में, जैसे आप लोग केएफसी में जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, वैसे सेम वैसे होने हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। हाफिज़।